हेलो एवरीवन, आई एम शेफ रेखा पंडित फ्रॉम इंदौर। वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग। गणपति जी बैठे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा है जो भोग के काम आए, तो आज मैं आपको बता रही हूँ ड्राई फ्रूट से लड्डू कैसे बनाना। जो इंग्रेडिएंट्स इसके लिए हमें लगेंगे, देखें, खोपरा हाफ कप, सूखा नारियल है ये ग्रेटेड, हाफ कप वॉलनट यानी कि अखरोट, 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप पिस्ता चिनो, 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम, ये भीगे हुए नहीं है, रॉ, पिन खजूर और डेट्स करीब हाफ कप है ये, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून हनी, 1 टेबलस्पून अजवाइन, हाफ कप खसखस और 1/4 कप गुड़। इतनी चीज़ें हम लेके और 2 टेबलस्पून घी डलेगा इसमें। इससे हम एक हेल्दी से ये बनाएंगे ड्राई फ्रूट के लड्डू। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे, तो उसके लिए मैं इसमें लेती हूँ चॉपर में इसको, और सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं काटती हूँ। मुझे ये थोड़े मोटे मोटे चाहिए और उसी तरह से ये ड्राई फ्रूट कटे हैं। कुछ बादाम नहीं कट पाए हैं तो उनको मैं अलग से थोड़ा सा चॉप कर लूँगी। जो थोड़े मोटे बचे थे उनको मैंने इससे कर लिया, क्योंकि मुझे एकदम बारीक नहीं करना है। अगर ये वाले जो हैं ये कटेंगे तो पहले वाले पूरे बारीक हो जाएंगे, है ना। हमें बादाम अलग से चॉप करना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैंने इसके साथ भी इसको बारीक कर लिया और इसको इसमें डाल देती हूँ। इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट जो हैं ये चॉप हो गए। इन ड्राई फ्रूट को मैं इसमें डाल के, एक कांच के बर्तन में डाल के इसको थोड़ा सा माइक्रो में रोस्ट करूँगी। एक मिनट के लिए रख रही हूँ, फिर देखूंगी नहीं होगा तो और एक मिनट रख दूंगी। ऐसे एक दो मिनट माइक्रो कर लेंगे ताकि उसकी जो सीलन होगी, जो उसमें मॉइस्चर है, वो निकल जाएगी। हमने एक पैन गरम रखा है, कढ़ाई है ये, इसे मैंने गरम रखा है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। ये हमने प्योर घी लिया है गाय का, जो गीर गाय का घी आता है वो हमने इसमें लिया है, वो डाला है। सभी चीज़ें ऑर्गेनिक यूज़ कर रही हूँ मैं, और जैसे घी भी मैंने बहुत कम लिया है और बंद कर रही हूँ इसको, मैं बंद कर रही हूँ और इसके अंदर डाल रही हूँ सौंफ और अजवाइन, ताकि ये जो है सौंफ और अजवाइन ये दोनों अच्छे से फूल जाए, है ना, गर्म होके फूल जाएंगी। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खसखस, ताकि ये भी अच्छी सिक जाएगी। बहुत कम घी लिया है सिर्फ इनको भूनने के लिए, तो माइक्रो से निकालूंगी और ये अच्छी तरह से बिना घी तेल के रोस्ट हो गए। बढ़िया, इसकी इसमें खुशबू भी अच्छी आ रही है। और ये मैंने टोटल रखा इसको 3 मिनट, एक एक मिनट करके 3 मिनट तक इसको मैंने सेक लिया। और इसके बाद मैं डेट्स को इसके सीड्स रिमूव करके बहुत ही फाइन चॉप कर रही हूँ। सारे डेट्स, ताकि मीठा जो है वो डेट्स का आ जाएगा, और हनी और थोड़ा सा मैं जैगरी यूज़ कर रही हूँ, जो कि ऑर्गेनिक जैगरी मैंने लिया है ये, है ना। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जैगरी को, और इसी के साथ मैं किशमिश भी डाल देती हूँ।
कि मैंने किशमिश भी इसमें नहीं डाला था। और इसको ऑन करके थोड़ा सा मैं इसको मेल्ट करूंगी धुर को। बहुत ये गरम हो गया और गुड़ भी इसमें हल्का हल्का सा मेल्ट हो गया है, और इसको मैं बंद कर दूंगी। और इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट जो कि हमने लिए थे वो भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट का चूरा इसमें है, ये भी ले ले रही हूँ। इसमें मिला दूँगी डेट्स और ओकरा, डेट्स और हनी मिला के इसके लड्डू बांध दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये, अगर आप नहीं बांध सकते तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं दो चम्मच, लेकिन अगर आप बांध सकते हैं तो इससे ड्राई फ्रूट के लड्डू बांधें। और बांधने के लिए इसमें हम हनी को यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार इसको मैं फिर से आपको बताती हूँ। हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, उनको चॉप किया, उसको माइक्रो किया, एक मिनट करा था, कम था, 3 मिनट माइक्रो किया और उसके बाद उसे निकाल लिया। फिर हमने कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम रखा, और वो भी हमने गीर गाय का घी था जो कि देसी घी, और उसके अंदर हमने अजवाइन और सौंफ डाली और खसखस डाली ताकि वो कच्ची ना लगे, और उसको अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद उसमें हमने गुड़ यानी जैगरी थोड़ा सा डाला है, और जैसे ही वो हल्का सा मेल्ट होने लगा उसके अंदर हमने सारे ड्राई फ्रूट और खोपरा और जो भी हमारे पास था डेट्स वगैरह बारीक काट के वो हमने डाल दिया। अभी लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ हनी, और हनी डाल के इसको मैं बांधूंगी। ये एक बहुत ही न्यूट्रिएटिव, बहुत ही हेल्दी चीज़ है। इसका एक लड्डू यदि हम रोज खाते हैं तो बहुत अच्छा है, बजाय हम कोई दूसरी मिठाइयाँ खाने के, सभी नेचुरल चीज़ यदि हम खाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके भोग के लिए भी बहुत अच्छी है। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि हनी और डेट्स इससे ही ये बंधेगा, क्योंकि इसको बांधना बहुत मुश्किल है ना, तो क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बाइंडिंग एजेंट नहीं है इसलिए हनी और डेट्स की वजह से ही ये बंध रहा है। और इस तरह से इसको हम बांधेंगे, और ऐसे मैंने बांध बांध के रखे हैं। बहुत इजीली नहीं बनता है ये भी आपको बता दूं, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि बहुत नेचुरल चीज़ों से बनी हुई एक डिश है जो कि भगवान के भोग के लिए तो अच्छी है ही, गणेश जी के भोग के लिए, लेकिन घर के लिए भी अगर हम खाते हैं तो बहुत ही हेल्दी डिश है। और आप लोग बना के रखें, जो जिनसे ये बंधे नहीं, बांधना अगर मुश्किल है या जिसे लड्डू बांधना नहीं आता, वो पंजीरी की तरह भी खा सकते हैं। देखिए इस तरह से ये पंजीरी जैसा बन जाएगा, और इसको भी अपन खा सकते हैं, और जिससे लड्डू बन जाते हैं आराम से वो लड्डू बांधते हैं, है ना। आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कैसे बने।